क्याथिया शेट्टी और केएल राहुल को सलमान खान ने गिफ्ट की 1.64 करोड़ की न्यू लग्जरी ऑडी कार। क्या अथिया और केएल राहुल को विराट कोहली से मिला 2.17 करोड़ की बीएमडब्ल्यू कार का उपहार। क्या धोनी ने नए नवेले दुल्हा दुल्हन के घर पहुंचाई 80 लाख रुपए की सुपर बाइक। और क्या पापा शेट्टी से मिला 50 करोड़ की कीमत का घर। क्या वाकई शादी के बाद अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल पर हुई थी बेशकीमती तोहफों की बरसात। दुल्हन या अथिया शेट्टी के पापा ने बताया है आखिर क्या है इन वायरल खबरों का सच। 23 जनवरी को इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंधे हैं। अथिया और केएल राहुल ने सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में फेरे लिए। इस हाई प्रोफाइल शादी में सिर्फ 100 मेहमानों को ही शामिल किया गया था। अपनी शादी के बाद से ही अथिया और केएल राहुल बीते हफ्ते से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं बीते दिन अचानक दूल्हा दुल्हन को मिले करोड़ों की कीमत वाले बेशकीमती तोहफों की खबरें भी इंटरनेट पर सुर्खियों में छा गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि बॉलीवुड और खेल जगत की कई पॉपुलर हस्तियों ने शादी के बाद अथिया और केएल राहुल के घर बेशकीमती तोहफे भिजवाए हैं। इन तोहफों की कीमत 2 और 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि शादी के बाद सुनील शेट्टी ने बेटी और दामाद को 50 करोड़ की कीमत का लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। ऐसा भी दावा किया जा रहा था कि सलमान खान और विराट कोहली ने लग्जरी गाड़ियां कपल को तोहफे के तौर पर दी हैं। तो वहीं एमएस धोनी ने राहुल को सुपर बाइक गिफ्ट की है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि शादी में आए कई मेहमानों ने नए नवेली शादीशुदा जोड़े को डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी भी वेडिंग गिफ्ट्स के तौर पर दिए हैं। अथिया और केएल राहुल को मिले बेशकीमती तोहफों की ये खबरें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लेकिन अब खुद सुनील शेट्टी ने इन खबरों के पीछे छिपा सच बताया है। सुनील शेट्टी ने इन खबरों को सिरे से झूठा और बेबुनियाद बताया है। दरअसल अथिया और केएल राहुल को मिले वेडिंग गिफ्ट्स की खबरें जैसे ही सुनील शेट्टी के परिवार तक पहुंची तो उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट जारी कर इन खबरों का सच बताया है। सुनील शेट्टी ने बयान जारी कर बताया कि इन गिफ्ट्स को लेकर जो चर्चा चल रही है वो बेबुनियाद है। उनकी तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल को मिले उपहारों के बारे में पब्लिश की गई सभी रिपोर्ट बिल्कुल आधारहीन है और उनमें कुछ सच नहीं है। हम मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गलत जानकारी के बारे में कुछ भी छापने से पहले हमसे कंफर्म करें। बहरहाल अथिया और केएल राहुल को मिले बेशकीमती तोहफों की खबरें तो झूठी निकली हैं। इसी बीच अथिया और केएल राहुल की शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरों ने भी फैंस का ध्यान बटोरा है। बीते दिन सुनील शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेटी की शादी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की थी। इन तस्वीरों के जरिए सुनील ने बेटी और दामाद पर प्यार लुटाया है। तो वहीं अथिया के भाई आहान शेट्टी ने भी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस को ट्रीट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।